यह है हमारा पवित्र पुष्कर सरोवर, जो लगभग 4 से 5 साल बाद पुनः है अपने मूल रूप में आया है। 5 और 6 अगस्त को जो पुष्कर में बारिश हुई थी, उस बारिश से पवित्र पुष्कर सरोवर में लगभग 17 से 18 फुट पानी आया है, जिसके बाद ये देखिए आप पुष्कर सरोवर किस प्रकार से अपनी सुंदरता लिए हुए हैं। बाकी आप इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किस प्रकार से हमारा पवित्र पुष्कर सरोवर है। डूब क्षेत्र में पानी भर जाने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं। मुख्य जो रास्ता गुरुद्वारे के पीछे से था रामपुल होकर, वह रास्ता भी अभी बंद है। वहाँ पर भी लगभग 2.5 से 3 फुट पानी रामपुल पर दोनों ओर जमा है, जिसकी वजह से पुष्कर का संपर्क जो है शहर से थोड़ा कुछ कटा हुआ है। कुछ 4-व्हीलर जरूर जो है तेज़ी से निकाल कर अपना रोड क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आम आदमियों के लिए रास्ता आना जाना लगभग बंद सा हो चुका है। अगर यही हाल आगे दिनों में भी रहा तो ये पानी और भी बढ़ सकता है, डूब क्षेत्र की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि पुष्कर सरोवर ओवरफ्लो हो चुका है, उसकी भराव क्षमता समाप्त हो चुकी है। अब ये पानी डूब क्षेत्र में ही बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से इसके लिए प्रशासन को भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। दिनेश पाराशर, पुष्कर। भगवान पुष्कर राज ने स्वयं ही बता दिया है कि डूब क्षेत्र कहाँ तक है, मुझे देख लीजिए आप मैं कहाँ तक फैला था पहले, लेकिन अब कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके अवैध निर्माण करके होटल शुरू कर दिए है, मकानात